आईफोन लॉन्च कर दिया अपना न्यू स्मार्टफोन आईफोन 11 प्रो मैक्स। तो आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। सो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस फ़ोन में आपको 6.5 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। आपको इसमें एप्पल का A13 बायोनिक चिप, 4GB रैम और 3500 mAh का बैटरी मिल रहा है। ये थे इसके मेन फीचर्स। अब उसके टोटल स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं। इस फ़ोन का डायमेंशन आपको 8.1 mm मिल रहा है। ये फ़ोन आपको हल्का सा भारी 226 ग्राम का मिल रहा है। ये फ़ोन में आपको फ्रंट बैक ग्लास स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन एंड आपको डुअल सिम सपोर्ट मिलेगा। सॉरी डुअल सिम आपको सिर्फ चाइना वाले ऑप्शन पे मिलेगा। आपको एक नैनो सिम और एक ई सिम का मिलेगा ऑप्शन। और इस फ़ोन की प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो इस फ़ोन में आपको IP68 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मिलेगा। इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो आपको सुपर रेटिना XDR OLED कैपेसिटिव डिस्प्ले मिलेगा जो 16 मिलियन कलर्स प्रोड्यूस करेगा। एंड इस फ़ोन की अगर स्क्रीन की बात किया जाए तो 6.5 इंचेस का होगा और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात किया जाए तो 83.7% है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेजललेस। अगर इसके रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो 1242x2688 का पिक्सल्स मिलेगा, 19:5:9 का रेशियो आपको मिलेगा, 458 PPI पिक्सल पर इंच का डेंसिटी आपको मिलेगा। इस फोन की प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो उसमें एप्पल का ही अपना ग्लास है। इसमें ऑलियोफॉबिक कोटिंग 800 nits तक होगा। इसमें डॉल्बी विजन, HDR10 वाइड एंगल ग्लास, टू टोन और 120Hz वाला आपको इस पर डिस्प्ले मिल रहा है। इस फोन की अगर iOS की बात किया जाए तो इस फोन में आपको iOS 13 मिल रहा है। इस फोन के चिपसेट की बात किया जाए तो इसमें आपको A13 बायोनिक चिप मिल रहा है जो कि 7 nm पे है। इस फोन की अगर रैम ऑप्शन की बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल 4GB रैम का ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात किया जाए तो स्टोरेज में आपको 3 ऑप्शन है, 64GB, 256 एंड 512GB का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस फ़ोन में अगर आपको कैमरा की बात किया जाए तो उसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा जो उसमें 12 मेगापिक्सल का होगा। फर्स्ट वाइड एंगल, सेकंड टेलीफोटो एंड थर्ड अल्ट्रा वाइड आपको होगा। एंड अगर इसके कैमरा फीचर्स की बात किया जाए तो आपको ये कैमरा कैपेबल है तीनों ही कैमरा से कि आपको 4K 60fps का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम इसकी सेल्फ़ी की बात किया जाए तो सेल्फ़ी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का जिसका f2.2 है और ये भी आपको 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल होगा। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो इसमें आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसमें आपको लाउड स्पीकर मिल रहा है, स्टोरियो स्पीकर मिल रहा है एंड इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, डॉल्बी एटमॉस्फेयर और डॉल्बी डिजिटल प्लस का ऑप्शन मिल रहा है। इस फ़ोन में वाईफाई इनेबल सारे के सारे सेंसर्स आपको मिल रहे हैं। इस फ़ोन में GPS, NFC सारे चीज़ मिल रहे हैं। इस फ़ोन में USB 2.0 है। इस फ़ोन में बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर मिलेगा। इस फ़ोन के अगर फेस आईडी की बात किया जाए तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है 20% पिछले आईफोन से। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इस फ़ोन के अगर हम लोग बैटरी की बात किया जाए तो 3500 mAh की होगी। इसकी फास्ट चार्जिंग 18 वॉट का सपोर्ट करेगा जो कि 50% 30 मिनट में कर देगा और वो आपको डिब्बे के अंदर ही मिलेगा। सो यही था इस फ़ोन के बारे में कुछ फीचर्स। और हाँ, एक लास्ट चीज़, इसके कलर के बारे में बात किया जाए तो स्पेस ग्रे, सिल्वर गोल्ड और मिडनाइट ग्रीन ऑप्शंस में आपको मिलेगा। सो यही था आईफोन 11 प्रो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।